इस वीडियो को क्यों देखें मेरे दोस्तों, अगर आप टॉपर का नाम, टॉपर का कोचिंग, टॉपर का प्लेस अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि टॉप रैंकर फॉर यू आपके लिए एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता है। अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पे जो भी नया वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए तो आप यूट्यूब के बेल का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, मैं 5 मिनट से ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा और कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। IIT जी मेंस एग्जाम 2018 का रिजल्ट जो है आउट हो चुका है। सूरज कृष्णा भोगी जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, इन्होंने IIT जी मेंस को टॉप किया है पेपर 1 में। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड पोजीशन पे हैं वे हैं KVR हेमंत कुमार चोड़ी पीली, जो कि बेसिकली ऑल इंडिया रैंक इनका सेकंड है। जैसा कि मैं दोस्तों बता देना चाहता हूं कि जो IIT JEE मेंस का एग्जाम है वो CBSE के द्वारा कंडक्ट होता है। चलिए बात करते हैं तीसरे पोजीशन का। तो तीसरे पोजीशन पे पार्थ लतूरिया फ्रॉम राजस्थान एलन कोटा से, इन्होंने 350 मार्क्स के साथ थर्ड पोजीशन सिक्योर किया है। मेरे दोस्तों, इस साल टोटल 10,43,739 कैंडिडेट जो है जी मेन 2018 के लिए अपियर हुए थे और टोटल 1,80,331 बॉयज जो है यानी कि लड़के एग्जाम क्लियर किए और 50,693 लड़कियां क्वालिफाई की हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए। मेरे दोस्तों, पेपर 2 का जो एग्जाम का रिजल्ट है वो शायद कल यानी 1 मई 2018 को आने की पूरी संभावना है और जी एडवांस 2018 का एग्जाम जो है 20 मई 2018 को होगा और इसका रजिस्ट्रेशन 2 मई 2018 को स्टार्ट हो जाएगा। मेरे दोस्तों, चलिए बात करते हैं कट ऑफ मार्क्स 2018 जी मेन के लिए। तो जनरल कैटेगरी में जो है 74 मार्क्स गया है, OBC के लिए 45 मार्क्स और SC के लिए 29 मार्क्स, ST के लिए 24 मार्क्स एंड PWD कैटेगरी के लिए -35 मार्क्स। मेरे दोस्तों, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि कौन सा स्टूडेंट कहां से टॉप किया है, तो मैं बता देता हूं सूरज कुमार भोगी, सूरज कृष्णा भोगी बेसिकली आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, जो 350 मार्क्स के साथ फर्स्ट पोजीशन पे। KVR हेमंत कुमार चोड़ी पिल्ली, ये भी आंध्र प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। इसके बाद पार्थ लतूरिया, जैसा कि बताया जाता कि इन्होंने एलन कोटा राजस्थान से पढ़ाई की है और ये इनके पिताजी डॉक्टर हैं और ये नांदेड़ महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इन्होंने भी थर्ड पोजीशन सिक्योर किया है। भास्कर अरुण गुप्ता, जैसा ये भी पता चला है कि ये भी एलन से ही पढ़ाई किए हैं 7th रैंक के साथ कोटा में। नवनील सिंगल जो कि 9th राजस्थान 11th पोजीशन पे, इन्होंने भी राजस्थान एलन कोटा से पढ़ाई की है। करण अग्रवाल, ये भी 16th रैंक बेसिकली एलन से पढ़ाई किया है। तो इस बार मेरे दोस्तों एलन की भरमार है, यानी बहुत से स्टूडेंट जो एलन से पढ़ाई किए हैं और मेडिकल के क्षेत्र में ही नहीं एलन IIT के क्षेत्र में भी टॉपर निकाल रहा है। मेरे दोस्तों, जितनी डिटेल निकल सकी मैं आपको बताया और मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही डेटा और इंटरनेट पे आ जाए तो मैं स्टेट वाइज टॉपर बताऊंगा कि कौन स्टेट से कौन टॉप किया है, किस कोचिंग से कौन टॉप किया है और टॉप IIT कोचिंग्स कौन है, ताकि फ्यूचर में आपको जब भी एडमिशन लें तो इन कोचिंग पे जरूर ध्यान दें। मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और हमारा मेहनत आपके लिए थोड़ा भी फायदेमंद हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, हम कोशिश करेंगे कि आपका डाउट जल्दी से जल्दी क्लियर हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करे। अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।